वहीं सीरियल तो सूरज में सांस में कनक का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कनक की हो रही है ससुराल जाने की तैयारी और कनक की खुशी में चार चांद तब लगा जब भाभो सहित पूरा परिवार हुआ खुश। लेकिन कनक का भाई है ना खुश और मार ली है फिल्मी स्टाइल में एंट्री। मुझे पता है कि आपको थोड़ा फिल्मी फील आ रहा होगा, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको पूरा सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। लीजिए, कनक लाडो सज धज के अपने सैया के साथ अपने ससुराल जाने के लिए हो गई है तैयार। कनक की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब भाभो सहित पूरा परिवार हंसी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ अपनी लाडो को विदा करने के लिए तैयार हो गए। लगता है कि राठी परिवार भी अब धीरे धीरे उमा को कर रहा है एक्सेप्ट। तभी तो देखिए ना, आज उमा शंकर को दी जा रही है एक दामाद वाली इज्जत। देखिए किस तरह भाभो मीनाक्षी हर कोई प्यार से आरती उतार कर तिलक लगाकर अपनी बेटी को कर रहा है विदा। असली मजा तो तब आया जब फिल्मी स्टाइल में वंश ने टशन के साथ मारी एंट्री। डांस के साथ वंश ने एक बार फिर से ये जाहिर कर दिया कि वो अपनी बहन के इस फैसले से है कितना नाराज। आ तो है कि आज कनक बेहद खूबसूरत लग रही है। और आइए अब कनक से ही जानते हैं कि आखिर ये सीन क्या चल रहा है। ये फिर से विदाई तो नहीं है, ये पहली बार विदाई है राठी परिवार से। और कनक ने सोचा भी नहीं था कि भाभो और पूरा परिवार इतनी खुशी से इस घर से विदा करेगा। इनफैक्ट कनक भाभो के प्यार के लिए बचपन से तरसती रही। जो प्यार उसे माँ की तरफ से कभी मिला ही नहीं, वो भाभो ने पूरा किया। और अफसोस की बात यह है कि जब भाभो का प्यार मिला तभी कनक को इस घर से विदा होना पड़ रहा है। तो कनक बहुत ज़्यादा खुश भी है और बहुत ज़्यादा दुखी भी है कि भाभो से अलग होना पड़ रहा है। वेल, ये तो अच्छी बात है कि घर वाले अपनी लाडो की विदाई पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन कनक का भाई ये सच एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।